फ्रेंड्स, नमस्कार। डेजर्ट लिविंग एंड ऑल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जो ये जो वाइन है हैंगिंग बास्केट में जो काम आती है, इसका नाम है टर्टल वाइन। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी जो ये शाखाएं हैं, या ये देखिए ये कितनी लंबी लंबी और भी लंबी लंबी होती है। लगभग ये एक डेढ़ फुट तो बहुत आराम से हो जाती है। अभी भी ये देखिए एक फुट लंबी है। वैसे बहुत अच्छी खाद की भी इसे ज़रूरत नहीं है। ये बहुत नॉर्मल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इसका नाम तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, टर्टल वाइन है। और ये एक सेमी सकुलेंट प्लांट है, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसे बहुत ही इजी वे में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे एक बार एक डाली भी अगर आपने इसकी लगा ली, तो आप इसे मतलब सालों साल ये आपके पास रहेगा, सालों साल चलेगा। और इससे आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। बहुत ही सिर्फ एक डाली को आपको लगाना है, कहीं पर भी एक डाली लगा दीजिए और ये फैल जाएगा बहुत अच्छे से। जिस तरह से पोर्चुला का होती है, एक डंडी से ही कितनी सारी मल्टीपल हो जाती है, बस उसी तरीके से ये भी होती है। बस इसमें फ्लावरिंग तो कभी देखने में नहीं आई है, फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन ये ग्रीनरी और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही अच्छा लगता है ये पौधा। और आप बस इसे थोड़ा गर्मी से बचाएं, हालांकि इसे पानी देने के लिए जो बात है। तो फ्रेंड्स, जो सॉइल की जहाँ तक बात है, मैं सॉइल के बारे में बता दूँ, इसमें नॉर्मल सॉइल भी बहुत आसानी से चल जाती है। इसे ज़्यादा कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे एक बार महीने में एक बार इसमें अगर एनपीके आधा चम्मच एनपीके आधा लीटर पानी में अगर घोल करके आप डाल दें, तो ये बहुत अच्छे से मतलब इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और इसकी पत्तियाँ हरी हरी दिखेंगी। हमारे यहाँ पे मतलब ये अगर मेरे वाले में आपको कुछ ये पीली पत्तियाँ दिख रही है, तो कारण है कि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी। ये तो मॉनसून ही अब आया है, हमारे यहाँ लेट मॉनसून आया है, तो अब कुछ कुछ ये हरी पत्तियाँ दिख रही है। देखिए गर्मी का तो असर रहेगा ही, लेकिन अब ये धीरे धीरे ग्रीन भी होने लगा है। तो अगर आपको गर्मियों में भी इसे ग्रीन रखना है, तो आप मैंने जैसे बताया आधा चम्मच एनपीके को आधा लीटर पानी में घोल करके आप इस पर छिड़काव भी कर दें और डाल भी दें, तो ये बहुत अच्छे से ये ग्रीन ही रहेगा। मैंने एनपीके का छिड़काव इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है, मतलब 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा फिर ये जलने का भी खतरा रहता है इनका। अगर आपके इतनी गर्मी नहीं रहती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी सॉइल की, तो मैंने बताया नॉर्मल सॉइल में आपको इसको ग्रो करना है। और पानी आपको एक दिन छोड़ के एक दिन देना है। एक बार आप पानी जो देंगे इसे अच्छे से पानी दे देंगे, वाटरिंग एक बार अच्छे से कर देंगे, फिर अगले दिन नहीं करनी है। अल्टरनेट डेज में अगर इसको गर्मियों में भी गर्मियों में भी अगर आप अल्टरनेट डेज में इसको वाटरिंग करेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि ज़्यादा पानी वाटरिंग की वजह से इसकी डंडियाँ खुद, इसकी जो शाखा ये है, ये डंडी खुद अपने आप टूटने लग जाएगी। मतलब हल्का सा हाथ लगने पर भी ये टूट जाएंगी, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। और ये बस मतलब, और इसमें अगर जैसे एक दिन पानी डाला, अगले दिन आप वाटरिंग मत करें, शावर कर दें पानी से, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और ये हैंगिंग बास्केट के लिए तो बहुत ही आइडियल है। और एक बार एक जैसे, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपने जैसे इसकी एक बार एक ही शाखा को, अगर एक डंडी आपको कहीं से भी मिल जाती है, तो आप अगर लगा लेते हैं, तो उसके बाद में आप सालों साल तक ये मतलब पूरा गमला भर जाएगा। ये मैंने अभी गर्मियों में ही ग्रो किया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए पूरा इस तरह से भर गया है। बहुत ज़्यादा हीट में मत रखें आप इसे, लेकिन मतलब आराम से पाँच छः घंटे की धूप जहाँ पे आती हूँ तो भी वहाँ चल जाएगा, लेकिन मतलब 8 घंटे की अगर धूप आ रही है तो वहाँ मत रखें। और एकदम मतलब गर्मियों में आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, जहाँ सिर्फ रोशनी आ रही हो वहाँ रखें। और अब जैसे मॉनसून आ गया है, तो मॉनसून में तो आप इसे खुले में रखें तो बहुत ही अच्छे से चलता है।
और इसकी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अब इसकी जैसे एक डाली टूट गई तो मैं एक दो डालियाँ और लगा करके और वो आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको लगाया जा सकता है। और ये बहुत ही अच्छे से चलता है, सालों साल चलता है, इसकी ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। कि मैं आपको अब इसकी इसको लगाना भी बताती हूँ, इसकी डंडी कैसे लग जाती है। तो ये लंबे वाले इनको तो मैं नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि इनकी ग्रोथ भी अच्छी लग रही है और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। हालांकि आप इनको भी मल्टीपल करने के लिए अगर यहाँ से जैसे आपने अगर ये इतना तोड़ दिया है, चलो मैं तोड़ के बता ही देती हूँ। तो ये इस तरह से आप तोड़ेंगे और ये वाले आप इनको हटा दें, ये दो हटा दिए और आप इनको लगा सकते हैं। तो एक दो मैं और कलेक्ट कर लेती हूँ फिर आप लगा के बताती हूँ। आप ये हटाया और ये यहाँ से, तो ये इस तरीके से लगाने के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से हम इनको लगाने के लिए तैयार कर लेते हैं। मैं आपको लगा के बताती हूँ। जैसे एक छोटा सा जैसे मैंने ये पॉट में मिट्टी डाल ली है, नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसमें कोई कंपोस्ट और कुछ नहीं है। और इसके अंदर हम इसे इस तरह से देखिए यूँ मैंने ये छेद कर लिए हैं और इनके अंदर मैं इनको दबा दूँगी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये इनको इस तरह से दबाया ये इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स ये तैयार हो गया, ये थोड़ा पॉट साफ नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन देखिए ये इस तरह से बहुत सुंदर लगता है। और इसे आप गिफ्ट भी कर सकते हैं जब ये ग्रो होने लग जाए एक बार, फिर आप बस इसमें पानी दे दीजिए। पानी भी डालते हैं अभी, इसमें मैं पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ बस, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और मिट्टी गीली रहती है, बार बार थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है हमारी, तो ये इस तरह से चल जाएगा। बस ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, मैंने आज पानी दे दिया है, इसको नहीं डालूंगी, फिर अगले दिन डालूंगी, बस इसमें शावर करूंगी। फ्रेंड्स ये टर्टल वाइन पर ही आज की चर्चा थी, मैं जो कुछ बताना चाहती थी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी टू ग्रो है और बहुत ही अच्छा चलता है, हमेशा साथ रहता है। एक बार लगाने के बाद में आप बस भूल जाइए, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि ये जलने मरने का कोई डर है। बस वाटरिंग का आप ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना होने दें, नहीं तो रूट रोट हो जाती है, ये गल जाएगा। क्योंकि इनकी जो डंडियाँ हैं आपने देखा होगा, इनकी जो ये डंडियाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होती हैं, दो मिनट मतलब यूँ बिल्कुल हाथ लगाते से टूट सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये आपके घर की शोभा तो बढ़ाएगा। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी इसे लगाएं और अपने घर की शोभा बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।